गिरिडीह में 5 सूत्रीय मांग को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले नगर निकाय के कर्मी भी आंदोलन के मूड में आ गए हैं। जहां नगर निकाय कर्मियों ने मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। बताया गया कि पूरे राज्य भर से निकाय कर्मी 23 से 27 जुलाई तक मशाल जुलूस निकाल कर विरोध प्रकट करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मी रैली निकालेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाती है तो अगस्त महीने में कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मशाल जुलूस का नेतृत्व फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने किया, जबकि मौके पर निगम कर्मी मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर आदि उपस्थित थे। मान्य कर्मी का सेवा नियमित करना होगा। फेडरेशन के आह्वान पर समूचे राज्य में आज मशाल जुलूस प्रारंभ हुआ। यह 23 से 27 तक चलेगा। इसके बाद हम लोग 5 सूत्री मांगों पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष रैली होगा। वहां से फिर हम इसी अगस्त में और शीतकालीन हड़ताल में समूचे राज्य में चले जाएंगे। मुख्य मांगे हमारा है मानदेय और दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मी का सेवा नियमित हो, 10 लाख का नगर निकाय कर्मी का चिकित्सा सुविधा बीमा हो, पीएफ हो, स्थापना संबंधी सारा राशि झारखंड सरकार अपने स्तर से व्यय करे। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम लोग आज से आंदोलन प्रारंभ किया है। 23 से 27 तक इस समूचे राज्य में मशाल जुलूस चलेगा। उसके बाद रैली याचिका होगा। उसके बाद सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे।